अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज मैं यहां पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा, आप उसको ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। ज़रूर जो है कोशिश करिए कि जानिए उसके बारे में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूर जो है आप उसके बारे में रिसर्च करिए, आप उसके बारे में मालूमात करिए, मालूमात करके आप ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत जनों को नहीं मालूम होता है कि गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। जैसे कि अगर तेलंगाना डिपार्टमेंट के कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, वो TSPSC तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है डिपार्टमेंट से कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना पड़ता है, बहुत इजी है, आप अपने घर बैठे भी ये कर ले सकते हैं। अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड है तो आप बिल्कुल घर बैठे भी ये कर ले सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वन टाइम, ठीक है। इसके साथ साथ जो है और एक एक सेंट्रल लेवल की डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है जिसको स्टाफ सेलेक्शन कमीशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SSC बोलते हैं, ठीक है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे टेंथ वालों को, इंटर वालों के लिए कई तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसा है, वहाँ से जो है एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो बहुत जनों को ये नहीं मालूम रहती है इन्फॉर्मेशन कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन है क्या, तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर भी एक बार रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको और एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है UPSC, ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है IAS, IPS, IFS, IRIS और कई तरह के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट के, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ पे लिखना है आपको स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन रजिस्टर करा दीजिए, जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती रही है वहाँ पे देखते जाइए आप वेबसाइट पे, जब बोले जब आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा के रख लीजिए। इसके साथ साथ आपको गूगल पे जाना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको वहाँ पे जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद अगर आप तेलंगाना स्टेट के बिलोंग करते हो तो आपको TSPSC तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और बहुत जनों को जो है और एक एक बात नहीं मालूम होती है गवर्नमेंट की, तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जो है वहाँ पे आप ऑनलाइन भी और फिजिकल भी जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, तेलंगाना स्टेट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म रहेगा वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपको एक एम्प्लॉयमेंट ID दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत काम की ID है, वो आपकी सीनियरिटी के हिसाब से आपको कितने क्रेजी है गवर्नमेंट के सेक्टर में आने के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको आगे चल के भी इसका बेनिफिट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिए। और एक एक बात बहुत जनों को नहीं मालूम है, मैं जो है प्रीवियस वीडियो में बोल दिया हूँ, ग्रुप वन, ग्रुप टू जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं TSPSC से, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो हमारे तेलंगाना में ग्रुप एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें IAS, IPS ग्रुप वन में आता है, उसके जो एग्जाम्स है उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, ना फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा, ना सेकंड इंटरव्यू रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। इंटरव्यूज 2022 से KCR गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग जरूर देखें, उससे भी आपको काफी नॉलेज मिलती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, कामरान द एजुकेटर को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।